हेलो गाइस, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बेस्ट फंड के बारे में फुल एनालिसिस करेंगे। म्यूचुअल फंड का नाम है मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड। कैलकुलेटर पर हम पूरी कैलकुलेशन भी करके देखेंगे और साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको कि इसमें अगर हम 1,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट करते हैं या मान लीजिए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में कितना दोस्तों रिटर्न मिल जाएगा। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर हमें इन्वेस्ट कैसे करना है और वीडियो के आखिर में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यानी हम कैसे 1 से 1.5% की बचत कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया है कि ये एक बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड है यानी ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की वो कैटेगरी होती है जिसके अंदर रिस्क और रिटर्न थोड़े बैलेंस होते हैं। इक्विटी के कंपैरिजन में कम यहाँ पर रिस्क और डेट के कंपैरिजन में यहाँ पर हाई दोस्तों रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो जैसा इसका नाम है वैसे ही दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस है। अगर हम इस फंड के पिछले 1 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसने 4.63% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 6 महीने में इसने 17.59% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल में इसने 44.12% के रिटर्न्स दिए हैं। 3 साल के इसके रिटर्न 17.57% हैं। 5 साल के रिटर्न 16.69% हैं। और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 15.81% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं जो कि दोस्तों एफडी और आरडी से 2 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न है। यानी अगर हम अपना पैसा एफडी आरडी में लगाते हैं तो सेम पैसा इस फंड के अंदर 2 गुने वे में दोस्तों हमारा इंक्रीज होगा। अब इस फंड की बेसिक जानकारी अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी जो एनएवी है, जिस तरह से हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हमें शेयर अलॉट होते हैं, लेकिन जब हम कोई म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें यूनिट अलॉट होती हैं एनएवी की। यानी एक एनएवी का जो प्राइस है वो 24.62 रुपीज़ है। इसका मतलब ये है कि जो भी पैसा हम इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे उसको 24.62 से डिवाइड किया जाएगा तो जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स दोस्तों निकल कर आएंगी वही हमारे डैशबोर्ड में या हमारे दोस्तों पोर्टफोलियो में ऐड होंगी। मिनिमम आप इस फंड के अंदर 1,000 रुपये मंथली बेसिस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपीज़ कर सकते हैं लमसम में या वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं है। जितना चाहें आप उतना पैसा दोस्तों इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका फंड साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, लगभग 6,000 करोड़ का इसका फंड साइज़ है। अगर हम दोस्तों बात करें कि ये फंड किन किन कंपनीज़ के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है तो HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, TCS, एक्सिस बैंक, ये तो दोस्तों कंपनीज़ हो गई। इस जैसी और भी कई सारी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर भी, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके अंदर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जो शेयर मार्केट के अंदर कंपनीज़ हैं उनसे रिटर्न हाई मिलता है, लेकिन जो दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वहाँ से फिक्स रिटर्न मिलता है, जिससे हाइब्रिड जो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके रिस्क और रिटर्न दोनों बैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनीज़ के अंदर ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्री, और भी कई सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों मैं चलता हूँ आपको लेकर कैलकुलेटर के ऊपर, जहाँ हम देखेंगे कि कितना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में मंथली बेसिस पर भी और वन टाइम बेसिस पर भी दोनों तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन हम करेंगे दोस्तों इस रिटर्न के अकॉर्डिंग, यानी जो इस फंड ने रिटर्न कर हमें प्राप्त कराया है, ओवरऑल रिटर्न इसका 15.81% है। तो हम 15% रिटर्न मानकर चलेंगे कि आगे आने वाले समय में अगर ये हमें 15% के भी रिटर्न देता है तो हमारा पैसा कितना ग्रो करेगा। तो दोस्तों ये है SIP कैलकुलेटर या लमसम कैलकुलेटर, यानी वन टाइम अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो भी हम इसी कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, और अगर हमें मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना है तो भी हम इसी कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मंथली यानी कि SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम पहले बात करें, मान लीजिए आप इसके अंदर सिर्फ 1,000 रुपये हर महीने का इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पर 1,000 रुपये डाल देता हूँ और यहाँ हम डालेंगे दोस्तों 15% का रिटर्न, जैसे मैंने अभी दोस्तों आपको पीछे वीडियो में दिखाया है। उसके बाद सबसे पहले हम 10 साल के पीरियड के लिए चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1,000 रुपये हर महीने का इन्वेस्टमेंट, 15% का रिटर्न, 10 साल का टाइम पीरियड, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा होगा इस सिचुएशन में
यानी अगले 10 सालों में वो 1,20,000 रुपये का होगा। लेकिन इस 1,20,000 रुपये पर 15% रिटर्न के हिसाब से जो हमें रिटर्न मिलेंगे वो होंगे 1,58,000 रुपये के आसपास। और फाइनली जितना हमने इन्वेस्ट किया ये अमाउंट और जितना हमारा पैसा बढ़ा ये वाला अमाउंट, इन दोनों को मिलाकर फाइनली हमें कितना अमाउंट मिलेगा, 2,78,000 रुपये के आसपास। अब हम दोस्तों इसको अलग अलग टाइम पीरियड पर चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि 60,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपको रिटर्न मिलेंगे वो लगभग 30,000 के आसपास होंगे। और फाइनल इस अमाउंट को मिलाकर और इसको मिलाकर जो अमाउंट बनता है वो 89,000 के आसपास बनता है। अब इसमें दोस्तों ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 साल के लिए चलाएं किसी भी म्यूचुअल फंड को, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, आप जब चाहें अपने पैसे को निकाल सकते हैं, या आप 5 साल चलाएं या ज़्यादा चलाएं। लेकिन जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो दोस्तों आपका व्यू लॉन्ग होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 सालों में 1,20,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट करने पर दोस्तों हमें कितना पैसा बढ़कर मिला, लगभग 1,50,000 रुपये। लेकिन अगर हम अगले 1 साल और इन्वेस्टेड करके रखते हैं तो सिर्फ 1 साल में ही हमारा 50,000 रुपये से इंक्रीमेंट हुआ है लगभग। और अगर हम 15 सालों तक इसे कंटिन्यू कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले 10 सालों में सिर्फ 1,50,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन अगले 5 सालों में, सिर्फ 5 सालों में दोस्तों 3 लाख के आसपास, 3 लाख से भी ज़्यादा का दोस्तों यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इसे 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो हमारा जो पैसा है वो 12 लाख रुपए इंक्रीज हो चुका होगा और फाइनल अमाउंट हमारा 15 लाख रुपए होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम 25 साल तक इसको इन्वेस्टेड रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट 32 लाख रुपए हो जाता है। और फाइनली अगर हम 30 साल तक इसको इन्वेस्टेड रखते हैं और ये हमें 15% का रिटर्न दे देता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3,60,000 रुपये का आपका मात्र इन्वेस्टमेंट होगा और उसके अगेंस्ट 66,00,000 रुपये का आपको रिटर्न मिलेगा 15% रिटर्न के हिसाब से। और फाइनल अमाउंट जो आपका होगा दोस्तों वो कितना होगा, 70,00,000 रुपये के आसपास। अब इसी तरह से हम लमसम में भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लमसम यानी कि वन टाइम अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है FD या RD की तरह, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1,00,000 रुपये का मैं यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ। आप मिनिमम 5,000 रुपीज़ डाल सकते हैं यानी इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। तो मैं 1,00,000 रुपये पर आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,00,000 रुपये का हमारा अमाउंट, 15% का ही हम रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो 30 साल तक अगर हम इस 1,00,000 रुपये को डालकर छोड़ देते हैं, इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, तो हमारा ये 1,00,000 रुपये दोस्तों 66,00,000 रुपये बन सकता है, क्योंकि 65,00,000 रुपये का हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल चुका होगा अगले 30 सालों में 15% रिटर्न के हिसाब से 1,00,000 रुपये के अगेंस्ट। तो दोस्तों ये है इस सारी चीज़ों का कमाल। अब अगर हम इस टाइम पीरियड को घटाकर दोस्तों 25 साल कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ 5 साल का डिफरेंस हुआ है और हमारा आधा रिटर्न रह गया है। और 5 साल में अगर हम देखें तो 5 साल में हमारा पैसा कितना ग्रो हो सकता है, 1,00,000 रुपये हमारा बढ़कर 2,01,000 रुपये के आसपास हो सकता है। 10 साल में यही अमाउंट हमारा 1,00,000 रुपये से बढ़कर 4,00,000 रुपये हो सकता है। तो दोस्तों ये है इसकी पूरी कैलकुलेशन। आप अगर चाहें तो किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर SIP मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यानी मंथली बेसिस पर, या लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वन टाइम। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप इस फंड के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको 1 से 1.5% का जो बेनिफिट मिलेगा वो कैसे मिलेगा। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप 2-3 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या तो आप किसी एजेंट के थ्रू करें, या आप उस AMC में जाकर करें, या आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से करें, या फिर आप दोस्तों ऑनलाइन ही किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की हेल्प से इन्वेस्टमेंट करें। जैसे अगर आप किसी एजेंट की हेल्प से किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपसे 1 से 1.5% का दोस्तों जो एक्सपेंस रेशो है आपके फंड का वो बढ़ जाता है, यानी कमीशन के रूप में आपके फंड की एक ग्रोथ 1 से 1.5% की उस एजेंट को चली जाती है जिसके थ्रू आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि हम 1 से 1.5% कैसे बचा सकते हैं। तो आप अगर खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप इस फंड के अंदर करें या किसी और दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर करें, पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, उसके बाद में आप अपने नेट बैंकिंग से उस डीमैट अकाउंट को लिंक करें और अपने पैसे को अपने बैंक से अपने डीमैट अकाउंट में जमा करें। फिर आप अगर म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डायरेक्ट कैटेगरी में होगा और इस केस में दोस्तों आपका 1 से 1.5% का बेनिफिट होता है। अब आप कहाँ पर कर सकते हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से हैं,
ज़िरोधा दोस्तों इंडिया का नंबर वन डिस्काउंट ब्रोकर है, आप ज़िरोधा के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड खरीदने का या बेचने का कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। अकाउंट ओपनिंग का 200 प्लस GST यहाँ पर लिया जाता है। फर्दर अगर आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में, तो भी आप सेम डीमैट अकाउंट के अंदर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है दोस्तों ग्रो। ग्रो के थ्रू भी, जो स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड के लिए जानी जाती है, तो आप ग्रो के थ्रू भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट करके अपने जो रिटर्न है उसको ज़्यादा कर सकते हैं। यानी यहाँ पर भी आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डायरेक्ट कैटेगरी में होगा, किसी भी तरह का कोई एजेंट कमीशन आपसे नहीं कटेगा, और आपको 1 से 1.5% का तभी से दोस्तों प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा जब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो ग्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो सीधा ज़िरोधा के अंदर भी अपने पैसे को जमा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।